जी सर। आज एमरजेंसी में हमें हमारे पास फॉर्मर एमएलए साहब हैं, प्रेजेंट टैक्सेशन कराए हुए अपने श्री विजय ग्रोवर जी, कपिल अरोड़ा जी, कुलभूषण जी और साथी यहाँ पे केवल जी और बाकी साथी यहाँ आए हुए हैं। हम लोगों ने इमरजेंसी में मीटिंग कॉल की है, विशेष तौर पे सारी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए जो कल के इंसिडेंट हुआ है, जिसमें 20 आदमी हमारे 20 सैनिक जो है शहीद हुए। मुझे एक हम लोगों के कंसर्न से एक चीज़ पर बनता है कि देश को अपनी इच्छा शक्ति दिखानी होगी और देश की इच्छा शक्ति सारा देश इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। पार्टी के मतभेद बाद में होंगे, व्यक्तिगत मतभेद बाद में होंगे, जब देश की बात आती है तो चीन को ये समझ लेना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान चीन के खिलाफ अब खड़ा हो गया है और उस लड़ाई में चीन से विशेष तौर पे हमारे लिए जो लड़ाई शुरू हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसको सीरियसली रिव्यू कर रही है कि उसके लिए क्या क्या एक्शन प्रपोज करने हैं, क्या करना है। अब चीन को ये समझ आना चाहिए, अब पूरा देश उनके साथ लड़ेगा। पूरा देश कैसे लड़ेगा उसके लिए मैं शुरुआत छोटी सी बताता हूँ। आज सुबह उठते ही जैसे मोबाइल मैंने देखा तो उसके अंदर मैंने एक ऐप देखी, जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक ऐप काफ़ी बड़ी चलती है, हेलो ऐप है, हेलो के साथ शेयर इट है, तीनों ऐप मैंने आते ही अपने फ़ोन में से सबसे पहले ये काम हुआ, टिकटॉक, हेलो, शेयर इट, तीनों को फोन से डिलीट किया। चाइना के साथ लड़ाई इस समय इकोनॉमिक लड़ाई के नाते वो सारा ढांचा लड़ रहा है, लाखों लोगों की पूरी दुनिया में मौत हुई है, कोरोना वायरस को फैलाने वाला चीनी चाइनीज वायरस वास्तव में ठीक है उसके लिए नाम, चाइनीज वायरस ने पूरी दुनिया के अंदर लोगों की जान ली है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ उसको लड़ाई ये बहुत महंगी पड़ेगी। लोगों को आज संकल्प करना पड़ेगा, जो महात्मा गांधी के समय देश के अंदर जो आह्वान हुआ था कि पूरे देश के अंदर फॉरेन गुड्स का बाइकाट हुआ, फॉरेन कपड़ों को बाइकाट हुआ था, आज देश के अंदर चाइनीज गुलामी के अंदर उनकी सामान की गुलामी से देश को बाहर आना पड़ेगा। आज घर के अंदर एंटर करते हैं तो दरवाजे से लेकर अंदर सोफा, सोफे से लेकर चेयर से लेकर हर चीज़ के अंदर चाइनीज मोबाइल हम लेते हैं तो मोबाइल के अंदर ये तय करना पड़ेगा, इससे चाहे नुकसान हो फायदा हो, देश की चीज़ चाहे महंगी हमें मिले लेकिन देश का स्वाभिमान यही कहता है कि हम चाइनीज गुड किसी कीमत पर नहीं लेंगे। हाँ, ये ज़रूर बात आती है कि कितना, मुझे लगता है कि जहाँ से जो जो शुरू कर सकता है वहाँ से वो शुरू करे। जैसे तीन ऐप शो बंद करके मैंने शुरुआत की है, ऐसे जनता से अपील करते हैं। आज मैं छोटी सी बात कहता चाहता हूँ, कितना मिसयूज होता है पावर का। और आज सुबह से लाइव चलाने के लिए कई वर्ड मैंने टाइटल डाला, टाइटल चाइनीज डालते हुए उन्होंने डिलीट मार दिया, लाइव ऐप नहीं चली, उन्होंने कहा कि अंगेज पॉलिसी। मुझे लगता है कि कितना कंट्रोल इन एजेंसीज का चाइना ने अपना नेटवर्क इतना मजबूत किया हुआ है, मुझे लगता है कि उसका बाइकॉट करने का 100% इससे ज़्यादा समय उचित नहीं आएगा। इस समय खुल के चाइनीज गुड का 100% बाइकॉट, चाइना का बाइकॉट, और मुझे लगता है कि चाइना को हिंदुस्तान से जो चुनौती मिलेगी वो शायद विश्व के अंदर, चाहे उसमें महाभारत के बाद अगर शांति होनी है, हम लोग शांति चाहते हैं, महाभारत के बाद होनी है तो महाभारत हो जाने दें। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपील करेंगे कि अगर शांति का कीमत महाभारत होना ही है, युद्ध होना ही है तो युद्ध हो जाने दें और देश की इच्छा शक्ति पूरा देश स्वाभिमान के साथ चीन के खिलाफ हिंदुस्तान के साथ खड़ा है।